फ्रेंड्स, आज मैं मेरे फ्रेंड के घर पे आया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे आई है। इतनी हम लोग सुबह से एंजॉय किया, अभी रात हो गए है। अभी मैं एक दूसरी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसके पहले मैं एक मेरी बेस्ट फ्रेंड को आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। साथी आ जाओ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। हम लोग दो साल ही साथ में रहे, लेकिन ऐसा हमारा रिश्ता है बोल नहीं सकते, बहन है या कसिन है या दोस्त है, पता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब क्या बोलो। इसको मिलने के लिए हम लोग, इसको और मेरे ब्रदर लोग को मिलने के लिए हम लोग बैंगलोर आए हैं। मेरे घर इसका अपार्टमेंट है और मेरा घर इसके बाजू में था, अभी वो रेंट पे देकर रखा है। और हम लोग ऊपर नीचे रहते थे पहले, मैक्सिमम घर ये मेरे घर पे, नहीं तो मैं उसके घर पे रहती थी। और खाना पीना वैसे भी सिर्फ एक ही के घर में खाना बनाती थी, ऐसे दोस्ती थी हमारा। और साथी बोलो, मेरे बारे में बोलो, मैं कैसी थी? अंजू। मेरा वॉइस अभी बहुत खराब है, गला इतना सुबह से कब कर रहे हैं हम लोग कि मेरी तो आवाज बन गई है। लेकिन अंजू पहले और अब में एक्सट्रीमली चेंज। हाँ, है ना। हाँ। बोल रही हूँ ना, मैं कैसे थी पहले? हाँ, अंजू पहले जो है ना, किसी से बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। मतलब मेरा बहुत सरप्राइज कि अंजू ब्लॉग बनाती है, हाँ कर रही है, नहीं तो ये किसी से बात नहीं करती थी, मेरे से भी बहुत कम। मैं ही इसके घर पूरा टाइम रहती थी, ये तो आती ही नहीं थी, इसको ये निकलती भी नहीं थी। मैं ही इसके घर पर जाके टपकती थी और इसके घर पर बैठी रहती थी और इससे गप्पे मारती थी, है ना। कुछ भी, इसको हिंदी भी बोलना नहीं आता था। इसने बातें करती, अभी जो भी है ना वो बोलती, टूटा फूटा हिंदी, वो सब मैंने ही सिखाया है। सही है ना, नहीं तो इसको कुछ भी नहीं आता था। खाना बनाना भी नहीं आता था। इसका सिर्फ चाय, बिरयानी और सांभर बेस्ट रहता था, मतलब आज भी वो बेस्ट। लेकिन अब वो चाय भी नहीं बनाती, सांभर भी नहीं बनाती, बिरयानी भी नहीं बनाती। अब कुछ और सीख लिया। ये मेरी बेटी है। हाँ, देखो, ये मेरी बेटी है और खुशी। और हमारी सबसे बड़ी खासियत है, हमारे बच्चों दोनों एक ही एज का है, एक एज के। और हम दोनों एक ही एज का है, और हम दोनों का हस्बैंड भी एक ही एज का है। हमारी बेटी देखो, दोनों एक ही एज का है, सिर्फ चार पांच दिन का डिफरेंस है। और हम दोनों का बेटा भी एक ही एज का, सिर्फ चार दिन का डिफरेंस है हम दोनों का बेटा। शाश्वत कम ये, चुंगसी कम ये। देखो ये स्वाति का बेटा है और इसको तो आप लोग को मालूम ही है, चुंगसी आकाश। देखो एक ही एज है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वो ये अभी हम लोग जा रहे हैं, वो संतोष का बचपन का, संतोष मैं क्या बोलूँ, भाई जैसा है और मेरी सिस्टर जैसी है। वो मेरे से बहुत छोटी है वो। मैं अभी उनके घर जा रही हूँ, आज उनकी बेटी के घर है, आज उनका बेटी का बर्थडे है, हम लोग उसके घर पे जा रहे हैं। सडनली हम लोगों ने प्लान किया था, फिर आज अंजू पुरानी वाली अंजू लग रही है, ये बिंदी सिंदूर और बड़ा बड़ा इयररिंग्स, कलरफुल ड्रेस, नहीं तो हम मैक्सिमम टाइम ये वेस्टर्न ड्रेस में ही थे। हां, कोई तो आज थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस और ये सब लगा, आज मैं ही वेस्टर्न ड्रेस में हूं। हां, ये देखो इसने लेके आया मेरे लिए गिफ्ट, अच्छा है ना। हां, तुमको और भी गिफ्ट दिया मैंने, बहुत भी दिखा दो। नहीं नहीं, वो सब नहीं दिया मैंने, बहुत दिया है तुमको। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं, जो दिखता है बस वही है और कुछ नहीं। और कल तक, कल भी मैं ये व्लॉग बना दूंगी, कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं पूरा स्वादी तो नहीं, शॉपिंग नहीं, कुछ और भी, स्वादी तो पूरा बदलने वाली है। शायद नहीं, पक्का बदलूंगी। कल का व्लॉग आप पक्का, कल का नहीं, यही व्लॉग मैं कंटिन्यू रखूंगी और आप लोग पक्का देखना है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, बाय बाय। मिनी, देखो यही है बर्थडे गिफ्ट।
उसका नाम है मनस्वी। मनस्वी अभी ये है उसकी मम्मी। हाय हाय एवरीबॉडी। मनस्वी को छुपा दिया तुम लोगों पीछे से। और मानसी की मम्मी ने इतना अच्छा यम्मी यम्मी खाना बनाया देखो। सब होममेड फूड है, इतना अच्छा बनाया। और नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी है, देखो नूडल्स तो बहुत ही टेस्टी है देखो। और मानसी का पापा है देखो। बच्चे लोग बनाया। सॉरी मैं कल का रात का बाकी कुछ नहीं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतनी बिजी हो गए इतनी बातों में, क्योंकि 2 साल के बाद हम लोग सब लोग मिल रहे थे। इतनी हम लोग गप्पे मारा है, बहुत एंजॉय किया है। और उसने नया गाड़ी खरीदा था और उसमें भी संतोष और संगीता का हस्बैंड का नाम है नरपत। संगीता मेरी दोस्त है, मतलब मेरी सिस्टर जैसी है, छोटी सिस्टर है। मतलब ये संतोष का, ये नरपत, बहुत सारे दोस्त है। ये सब लोग संतोष का राजस्थान का दोस्त लोग है। मैं हाँ आप लोगों को पहले ही बोला था संतोष का राजस्थान का बहुत सारे लोग है, मेरी दोस्त वो लोग ही है। और हम लोग हर साल बेंगलुरु में आते तो सब लोगों से जिन लोगों को मिल सकते हैं सबको मिलने का कोशिश करती हूँ हम लोग। अभी संगीता और नरपत से हमेशा मिलती हूँ, जब अगर लास्ट है कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं मिलती, मतलब मेरा तबीयत ख़राब हो गया तब नहीं मिलती हूँ, लेकिन ये तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं सबको जाकर मिलने का। और संगीता US में थी, अभी 2 साल से इधर ही है बेंगलुरु में है। और हम लोग इतना गप्पे मारे और उसके बाद मैं भूल ही गया मैं व्लॉग कर रही थी। और फिर हम लोग 12 बजे घर पर आ गया, 12 बजे नहीं, हाँ 1 बजे हो गया हम लोग घर पर आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग सो गई, फिर अभी सुबह उठ गए स्वाति के बच्चे लोग स्कूल गई, खुशी अभी उठ गई। अभी टाइम देखो टाइम हुआ है 10:45 हो गया है। और अभी कुछ उंगसी नहीं उठा संतोष और खुशी, अभी जस्ट उठा मैं और स्वाति रेडी हो गई। हम लोग जा रहे हैं आज, देखो स्वाति उधर से चुप कर दिख रहे हम लोग जा रहे हैं अभी हेयर कट करवाने के लिए। हेयर कट करना है, फेशियल करना है, कुछ शॉपिंग करना है। हर बार मैं आते तो एक दिन पूरा हम लोग इसी के लिए रखते हैं, मैं और स्वाति पूरा शॉपिंग, संतोष का पूरा पैसा उठा लेते हैं, हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, ब्यूटी पार्लर चलते हैं, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग, पूरा साल का ये निकाल देते हैं एक ही दिन में हम लोग। और कल हम लोग केरल जा रहे हैं वापस, और वही है। और मैं शायद मेरा ब्लॉग आप लोगों को लेट से ही समझ, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कमेंट भी बहुत नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। मैं इतनी इधर फ्रेंड्स लोग के पास आ गए थे सकते, उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर लो ऐसा लगता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग करने का। ठीक है अभी हम लोग जा कर आती हूँ, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, बाय। हाँ एक और बात है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, स्वाति एक आर्ट टीचर है, वो ड्राइंग सिखाती है, स्कूल में भी जाती है, घर में भी उसका बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं दिखाती हूँ उसका ड्राइंग। और ड्राइंग नहीं, उसने बहुत सारा वो बहुत क्रिएटिविटी है उसके अंदर, मैं दिखाती हूँ उसने क्या क्या इधर किया है। हम लोग का नया लुक, स्वाति ने तो उसका आधा हेयर ही देखो इतना शॉर्ट कर दिया, पीछे देखो
शॉर्ट कर दिया और मैंने शॉर्ट नहीं कर दिया, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया पर अच्छा दिख रहा है, हाँ है ना, हाँ लेकिन मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसको, मैं देखो ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया ऐसे फ्रंट पे, वो बोलते तुम ऐसे ही रखो। फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग बहुत सारा शॉपिंग करेंगे, लेकिन नहीं हुआ है क्योंकि स्वाति को स्कूल जाना था, वो ड्राइंग टीचर है, इसको स्कूल जाना था, इसलिए हमारा शॉपिंग ज़्यादा नहीं है। शॉपिंग हुआ है, हम लोग बहुत सारा शॉप में घूमा है लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने एक इधर एक सिटी स्टाइल है उधर से मुझे एक लेगिंग्स चाहिए था, उधर अच्छा अच्छा कपड़ा था लेकिन हमारे पास क्योंकि हम लोग लास्ट में उस शॉप में गया तो हमारे पास टाइम नहीं था। और हम मैंने ऐसा ब्लू कलर का एक लेगिंग्स लिया है क्योंकि मैंने मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ जाकर कौन सा मॉल है स्वाति, सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल, हाँ उधर जाकर बहुत सारा कुर्ता खरीदा था और उसी में एक ये कलर का था। फिर मैंने पैन लेना भूल गया तो आज लेके वो लेकर आई, ये लेगिंग्स ही है ना। और हम लोगों ने फिर एक छोटा सा शॉप था इधर नया खुला था उधर जाकर मैंने मेरा इयररिंग्स का शॉप आप लोग को मेरे इयररिंग्स का मुझे बहुत इयररिंग्स का शौक है, हाँ ये आपको पता होगा, हाँ मेरा इयररिंग्स का शौक आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी मिंत्रा से शॉपिंग किया तो मैं आपको दिखाया, आज भी वही है, पहले जाकर उनको बोला इयररिंग्स दिखा दो वही इयररिंग्स, थोड़ा बिंदी चाहिए था वो सब ट्रेडिशनल, इंडिया आ गया तो ट्रेडिशनल लुक में होना चाहिए इसलिए पूरा वो सब सामान खरीदा था, वही मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने इयररिंग्स खरीदा वो दिखाती हूँ। पहला इयररिंग्स है ये, देखो आप लोग ये मैं पहन कर दिखाती हूँ, शायद इस ड्रेस के साथ वो अच्छा नहीं होगा लेकिन साड़ी या मैं बाल थोड़ा ठीक गया तो देखो दूसरा इयररिंग्स है, इसमें ब्लैक कलर ये मेरे ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है, नहीं मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, नहीं 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 अच्छा लगेगा। देखो ऐसा है ये, तुम दिखा देखो ऐसा है, फिर एक ये है, फिर तीसरा मैं दिखाती हूँ, फिर तीसरा लिया है ये ग्रीन कलर का पड़े इसमें, वो भी मैं पहन कर दिखाती हूँ, वो तुम पहन लो, एक और लिया है देखो ऐसा वाला, ये देख लो, नहीं ये उल्टा पकड़ लिया तुमने, हाँ हाँ तुम पहन लो वो, देखो ये ग्रीन है, देखो अंदर नहीं जा, ये ऐसे ज्यादा अच्छा दिखेगा, हाँ है ना, हाँ शादी में कुछ पहन सकते हैं, हाँ ये ऐसे अच्छा लगेगा तुम, हाँ, ऐसे भी रह सकते हैं, हाँ सच में अच्छा लग रहा है ना, और इसको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, यस, और इसको पेंडेंट बना लो, हाँ ग्रेट आइडिया स्वाति, अरे आई हैव सो यू जस्ट वाह स्वाति अच्छा लग रहा है, यस आई नो आई एम द बेस्ट और वो तो ट्रू है, ओके सर अभी किधर गए, हाँ ये देखो ये मैंने पहन लिया है ना, ग्रीन ही है ना, हाँ ये देखो ग्रीन ऐसा है, अभी ये भी पहन कर दिखाती हूँ, फिर लिया बहुत सारा बिंदीस, ये बहुत सारा कलरफुल है, ये मैंने भी लिया, ये तुम्हारा है, हाँ हाँ ये तुम्हारा है, और ऐसा वाला, फिर ये और ये तो
ओनली शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग. फिर इंडिया आ गया तो और क्या करना है? प्लीज इन लंदन क्या करती हूँ? लंदन मैंने खरीदी हूँ, फिर सिंदूर खरीदा. इंडिया आके सिंदूर की याद आती है. हाँ इंडिया उधर भी मैं लगाती हूँ लेकिन कभी इंडिया आके सिंदूर की याद आती है. फिर थोड़ा हाँ फिर ये भी दो बिंदी खरीद लिया. अगर साड़ी के साथ पहनना है तो वो भी खरीदा है. ये मेरा है. हाँ ये तुम्हारा है. मैंने ये तीन कलरफुल ले लिया, खुशी के लिए नहीं मेरे लिए है. मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है. मेरे ऊपर भी अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, अच्छा है. फिर एक हिमालय का फेस वॉश लिया. मेरे पास सिंपल का वो फेस वॉश है लेकिन हिमालय देखिए तो मुझे इधर मैं वही यही यूज़ करूँगी. फिर मैं यही लिया है. और इतना ही शॉपिंग है ना स्वाति? नहीं हाँ, लिया एक और लेगिंग्स लिया था ना. एक और लेगिंग्स लिया किधर है वो? इधर ही था ना. नहीं नहीं पता नहीं किधर है वो लेगिंग्स. गिर रहा है यार उस पे देखो. फिर एक और लेगिंग्स खरीदा था, वो नेवी ब्लू कलर का है, इसमें ब्लैक दिखा होगा वही है. देखो लेगिंग्स खरीदा, इतना ही खरीदा है. वो कुर्ती मैंने बहुत सारे लिया है वो, लेकिन वो सब मैं मेरी सिस्टर लॉ के साथ ले जाकर खरीदा था लेकिन उस उधर मैं उस समय शेयर नहीं करती क्योंकि बच्चे के साथ हम लोग इतनी बिजी हो गई, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं था. तुम क्या कर रही हो स्वाति? इंडियन बना. मैं इयर रिंग्स खरीदा तुमने तो ये राजस्थानी स्टाइल है ना. अच्छा लग रहा है. नहीं अच्छा लग रहा. अच्छा लग रहा. बिंदी भी लगा के दिखाओ ना. बिंदी मैंने ले बिंदी कौन सा बिंदी लगा दो? ये बिंदी तो मैं हमेशा कभी कभी लगा. इंडियन ब्यूटी. इंडियन ब्यूटी लेकिन बाल अभी इंडियन ब्यूटी से थोड़ा बदल गया इसलिए मेरे बेटे को पसंद नहीं आ रहा है. हस्बैंड को पसंद आ रहा है ना? हाँ. पूछो जाकर संतोष को पसंद आ रहा है ना? पता नहीं वो भी बोलेंगे बुट्टी हो गई. और क्या है अभी आप लोगों का? अगर मेरा मैं फिर से बोल रही हूँ मेरा वीडियो आने में शायद लेट होगा क्योंकि कल मैं इंडिया कल मैं केरल जा रही हूँ और इधर तक ठीक था लेकिन उधर जाकर पता नहीं उधर मेरे घर में और मेरे ससुराल में दोनों घर में इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों ने नहीं लिया है. अभी जाकर लेना है इसलिए मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा. मैंने तो बहुत सारा वीडियो लिया है लेकिन वही लगाने में अभी मैं इधर भी एक वीडियो मैंने जब इंडिया आने का एक वीडियो बनाया था लेकिन तीन दिन के बाद आज वो अपलोड हो गया है इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करना अगर वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया. तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना भूलना नहीं. और इसकी बेटी का भी एक चैनल है क्यूट स्नेहल, आप लोग वो भी सब्सक्राइब करना. थैंक यू. बाय से बाय खुशी. बाय बाय बोल दो बाय 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 बाय.